भिंड जिले में रौन को फिर से विधानसभा बनाए जाने को लेकर रौन क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। समाज सेवी बलराज सिंह राजावत ने बताया कि रौन 2003 तक विधानसभा रही थी, लेकिन परिसीमन के चलते यह विधानसभा खत्म कर दी गई। जहां एक तरफ देश प्रदेश में कई विधानसभा और नए जिले बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भिंड जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ 6 विधानसभा हुआ करती थी और एक विधानसभा खत्म कर दी गई। अब सिर्फ 5 विधानसभा जिले में है। वहीं रौन विधानसभा खत्म हुए करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। रौन क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं में पिछड़ा हुआ है। बलराज रायावत ने बताया कि जब तक रौन विधानसभा नहीं मनाई जाती है, तब तक क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। रौन विधानसभा 2003 में मेरे यहाँ खत्म कर दी गई, जबकि प्रदेश और देश के अंदर बहुत सारी नई नई विधानसभाएं बनाई जा रही हैं, मगर भिंड जिले में रौन विधानसभा को उल्टा खत्म कर दिया गया, जबकि पूर्व में 6 विधानसभा थी, अब 5 ही रह गई। इसीलिए हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हर तरह का विकास हमारे यहाँ रुक गया। मेरे संज्ञान में कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन विधानसभाओं को या लोकसभाओं का गठन या डिलिमिटेशन, ये सब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है और इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। 20 या 25 साल में उसका फिर से पुनः निरीक्षण होता है।